त्रिपुरा में 10 सितंबर को भारत बंद के दिन अपनी ड्यूटी बंद रखने वाले लोगों को अब खामियाजा भरना पड़ेगा, क्योंकि राज्य की बीजेपी सरकार ने ऐसे कर्मचारियों के एक दिन का वेतन काटने का निर्णय लिया है। कांग्रेस के बंद का समर्थन करते हुए वामपंथी पार्टियों ने भी 10 सितंबर को राज्य में बंद का आह्वान किया था। पेट्रोल डीजल में बेतहाशा मूल्य वृद्धि के विरोध में आहूत बंद के दिन ऑटो और अन्य वाहन भी बंद थे, जिस वजह से कई सरकारी अधिकारी कार्यालय नहीं पहुंच पाए। लेकिन राज्य की सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और 10 सितंबर के दिन कार्यालय में अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन काटने का निर्णय लिया है। सीपीआईएम के सांसद शंकर प्रसाद दत्त ने सरकार के इस निर्णय की निंदा की है। जो सिस्टम है, सिस्टम में किसी को बंद का समर्थन करेंगे, किसी ने बंद को बहिष्कार करेंगे, बंद में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। बंद में हिस्सा लिया ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम यही करते कर सकते, एक दिन का सीएल काट ले सकते, यही कर सकते, लेकिन तनख्वाह जो काट लिया, डाइजेट जो सिस्टम किया हो तो ये अच्छा नहीं किया, वो नहीं होना चाहिए, वो ब्रिटिश अमल में था। पेट्रोल डीजल की बेतहाशा मूल्य वृद्धि ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बात करें नागालैंड की तो यहाँ भी पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि ने लोगों की परेशानियां बढ़ाई है। कोहिमा में पेट्रोल की वर्तमान कीमत 79.48 रुपए है, जबकि डीजल की कीमत है 71.42 रुपए। ईंधन की बढ़ती कीमतों के साथ ही यहाँ ट्रैफिक की भी समस्या है। एक तरफ संकरी सड़कें और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, तो दूसरी तरफ भूस्खलन। कुल मिलाकर कोहिमा का आम जनजीवन दिनों दिन बद से बदतर होता जा रहा है। The day-to-day life of the people in Kohima, the capital of Nagaland, is becoming worse day by day. It is not only the traffic jam, but again the hike in the fuel is going high day by day. गुरुवार को मध्याह्न भोजन के कर्मचारियों ने शिक्षा भवन का घेराव किया। उन्होंने आरोप लगाया कि त्रिपुरा में बीजेपी आईपीएफटी गठबंधन सरकार बनने से उनकी नौकरियां छिन गई हैं। पिछले 6 महीने में 1000 से अधिक कर्मचारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। उन्होंने शिक्षा विभाग को घेरते हुए मध्याह्न भोजन के कर्मचारियों को पुनः नौकरी पर बहाल करने की मांग उठाई है। साथ ही मध्याह्न भोजन के कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की भी मांग की है। इन कर्मचारियों को मौजूदा मासिक 1500 रुपए वेतन मिलता है। सीटू नामक संगठन के बैनर तले यह प्रदर्शन किया गया। आज पूरे त्रिपुरा में मिड डे मील वर्कर्स को तनख्वाह क्या मिलते, महीना में 1000 रुपया मिलते सेंट्रल गवर्नमेंट देते, और इधर जो बायाबाजी सरकार था उस टाइम उनको महीना 500 रुपया तनख्वाह बढ़ा दिया, तो 1500 रुपया उनको मिलता। 1500 रुपया से क्या चलते, एक आदमी को तो नहीं चलते, उनका परिवार बाल बच्चे को लेके क्या कैसे चलते। फिर भी मिड डे मील वर्कर के लिए 12 महीने का पूरा महीना उनको तनख्वाह नहीं मिलता, 10 महीना का तनख्वाह मिलता। सारा हिंदुस्तान में ऐसा ही चलता, हालत ऐसा ही है। मिस सिक्किम 2018 के लिए 16 प्रतिभागियों का चयन किया गया है। मिस सिक्किम बनने के बाद प्रतिभागी मिस नॉर्थ ईस्ट और मिस इंडिया सौंदर्य प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। राज्य भर से आए 40 प्रतिभागियों में से 16 प्रतिभागी मिस सिक्किम सौंदर्य प्रतियोगिता के फिनाले में पहुंची हैं, जिसका आयोजन 22 सितंबर को होगा। मिस सिक्किम 2018 के लिए इसी महीने गंगटोक में 2 दिन ऑडिशन रखा गया था। Kim 2018 will be held at Manan Kendra on 22nd of September, and the red carpet introductory round will be held on 16th of September. We have a cause, and that is a fight against cancer. We have 16 participants, total 16.